तो भाई साहब दलीप ताहिल वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द लेजेंडरी, वन ऑफ द वेटरन एक्टर बोल सकते हैं बॉलीवुड की, जिसकी बहुत लोग इज्जत करते हैं। टॉलीवुड में भी बहुत से मूवीज करे, ओवरऑल इंडिया में देखे तो दलीप ताहिल की बहुत सी वैल्यू है। मगर October 22, 2023 को मुंबई की जो हाईकोर्ट है ये भाई साहब को 2 महीने की जेल की सजा सुनाई। मगर क्या हुआ, क्यों सुनाई, क्या चीज की वजह से सुनाई, ये भाई साहब का जुर्म क्या है, सुनो। तो 5 साल पहले September 24, 2018 को जब गणेश निमज्जनम का टाइम चल रहा था, दलीप ताहिल भाई साहब आरोपी के सीधा रिक्शा को उड़ा दिए, जिसमें 2 पैसेंजर्स थे, वनिता गांधी और गौरव। दोनों को देखो बहुत से ज्यादा मार लगे थे, बहुत से ज्यादा इंजुरीज लगे थे, जिसकी वजह से वो भाई साहब जब पकड़े गए थे, भागने की कोशिश करे थे दलीप ताहिल भाई साहब, मगर उनको वो जो गणेश निमज्जनम का टाइम चल रहा था उसमें ट्रैफिक ज्यादा थी, इसीलिए पकड़े गए थे। और यहाँ पे देखो एलिगेशन ये है कि दारू पी के उड़ा दिए, इंजुरीज तो थे ही थे, मगर वो लोग को असॉल्ट भी करें, ढकले करें, मारे, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो वो चीज की वजह से ये 2 पैसेंजर्स पर्टिकुलरली केस लेते, जिसका देखो केस चलते जा रहा था 5 साल से। और यह हुआ यूं था कि अल्कोहल कंज्यूम करके भाई साहब दारू चलाए, बल्कि प्रूफ पर्टिकुलर नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो टाइम पे भाई साहब अल्कोहल का जो टेस्ट रहता उसके लिए मना कर दिए थे। मगर बाद में अभी जो फिलहाल हुआ वो मेडिकल एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये निकल गया है कि हाँ भाई साहब दारू पी के थे, इसीलिए वही चीज की वजह से दारू के नशे में सीधा आके रिक्शा उड़ा दिए, जिसमें 2 लोग देखो जख्मी हुए। अब ये चीज की वजह से अब फिलहाल देखो October 22, 2023 को कोर्ट बोले कि नहीं, आप गिल्टी है, 2 महीने के लिए अंदर जाओ, और इसके साथ साथ 500 रुपए कोर्ट को दियो बोली, 5000 रुपए सीधा ये जो जख्मी 2 लोग है उनको दियो बोले। अब देखो 500 रुपए तो कोई भी दे सकता है, मगर 2 महीने की जेल बहुत मुश्किल है। तो भाई साहब देखो ये चीज के ऊपर दलीप ताहिल का तो ये रिसेंट कमेंट है वो ये है कि वो नहीं करे कुछ भी, इसीलिए बोल रहे की और सुपीरियर सुप्रीम कोर्ट तक जाते उनके बोल रहे, तो जाना है तो जाने दो। मगर फिलहाल तो देखो हाईकोर्ट, मुंबई की हाईकोर्ट फिलहाल ये डिसीजन लेके दे दी और 2 महीने के लिए भाई साहब को अंदर जाना पड़ता। अब भाई साहब इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट जाते तो जाने दो, अगर उसके बारे में कुछ हुआ तो बात करेंगे। मगर फिलहाल इसमें अच्छी बात यह है कि देखो ऑल आर इक्वल, कोई भी सेलिब्रिटी रहें दो या फिर छोटा आदमी रहें दो, हाई कोर्ट में सब लोग इक्वल है, इसीलिए इक्वली जस्टिफिकेशन देते और ये भाई साहब को सही करे। अगर 2 महीने की सजा दे रहे तो जाना ही पड़ता, और अगर भाई साहब सच में नशे की जुत में वो करे तो देखो गंदी चीज है, कोई भी दारू पी के ऐसा चाले मत करो, क्योंकि देखो भाई आप तो पी के नशे में रहते मगर आगे वाला जख्मी हो जाता। तो अब ये चीज के ऊपर दलीप ताहिल के 2 महीने की जेल के ऊपर आपका राय क्या है कमेंट करके बोलो, और नए है तो सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल रहता वो ऑन करके रख दो। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।